नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे मेंथा की फसल में इल्लियों के होने वाले प्रभाव से कैसे बचा जाए। मेंथा के फसल में इल्लियों का बहुत ही प्रकोप होता है। यह रोपाई से लेकर कटाई तक का प्रभावी रूप से नुकसान पहुंचाती रहती हैं। यह इल्लियां मेंथा की पत्तियों को खाती रहती हैं। कई बार किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं तो 3 से 4 दिन में ही ये पूरी फसल की पत्तियों को खा लेती हैं और पौधे का डंठल रह जाता है। जब पत्तियां ही नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है और पौधे का विकास रुक जाता है, क्योंकि मेंथा के उत्पादन का मुख्य स्रोत पत्तियां ही होती हैं। जब पत्तियां ही नहीं होती हैं तो उत्पादन कैसे प्राप्त होगा। मेंथा में तेल का उत्पादन पुरानी पत्तियों से होता है। जब इल्लियाँ पौधे को खाना स्टार्ट करती हैं तो पुरानी पत्तियाँ खा जाती हैं, फिर नई शाखाएँ बनती हैं, नई पत्तियाँ बनती हैं तो उनसे उत्पादन कम निकलता है। तो मेंथा की फसल को इल्लियों से बचाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और समय समय पे कीटनाशकों का स्प्रे करना पड़ता है। हो सकता है जो कीटनाशक कम तापमान में आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, लेकिन वही कीटनाशक अगर अधिक तापमान होता है तो उसका रिजल्ट 50 से 60% कम हो जाता है। लेकिन किसान भाई सस्ते होने के कारण बार बार प्रयोग करते रहते हैं और उनको बार बार स्प्रे करना पड़ता है, जिसके कीटनाशक की भी कास्ट बढ़ती है और उनकी लगने वाली मजदूरी भी बढ़ती है। तो अधिक तापमान होने पर थोड़े अच्छे कंटेंट का और थोड़ी सी अच्छी कंपनी के कीटनाशक लेना ही उनके लिए लाभदायक होता है। मेंथा की फसल में इल्लियों के बेस्ट कंट्रोल के लिए सेजेंटा के इम्प्लीगो का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्लोरिंट्रानिलीप्रोल 10%, लैम्डा साइलोथ्रिन 5% जेटसी फार्मूलेशन में होता है। यह अपनी दोहरी क्रिया के कारण कीड़ों पर जल्द ही असर करता है। यह पत्तियों को खाने वाले और रस चूसक दोनों तरह के कीड़ों पर कंट्रोल करता है। यह कीड़ों के तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों को ब्लॉक कर देती है, जिससे कीड़ा कुछ ही समय में मर जाता है। यह कीड़ों की सभी अवस्थाओं जैसे नष्ट करता है, जैसे अंडा, लार्वा और एडल्ट को। इसकी डोज की अगर बात करें तो 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करने पे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 80 ml का पैक आपको 750 से 800 रुपए में मिल जाता है। इसका रिजल्ट 25 से 30 दिनों तक की फसल पे प्रभावी रूप से रहता है और कीड़ों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा प्रोडक्ट है घृणा कंपनी का, काइट नाम से आता है। इसमें टेक्निकल की बात करें तो इंडोक्साकार 14.5% और एसिटामापेट 7.7% होता है। यह दोनों तरह के कीटों से फसल की सुरक्षा करता है। यह सभी तरह की इल्लियों तथा रस चूसक कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स आदि से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी डोज की बात करें तो 100 से 150 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 100 एमएल का पैक 450 रुपये के आसपास में मिल जाता है। इसका प्रभावी रिजल्ट 20 से 25 दिनों तक की फसल पर रहता है। अधिक तापमान होने पर सभी तरह की कीटनाशकों को शाम के टाइम में स्प्रे करने का प्रयास करें। अच्छे रिजल्ट के लिए स्वच्छ पानी में ही घोल तैयार करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।